फ्रेंड्स वेरी गुड आफ्टरनून करते हैं। अभी हमारा कियान से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। चोकू चिमू चीकू ऐसे ऐसे करके बाहर आया है, अभी उठकर जस्ट बाहर आया है। और कैसे शांत शांत है देखो मतलब को चुड़ियो चीकू। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको दोपहर का व्लॉग? अच्छा ही लगा होगा। बस आज का अभी सब लोग उठ रहे हैं, धीरे धीरे धमाल मस्ती शुरू करते हैं, ठीक है? माँ बेटी अभी यही चक रहे हैं, परिवार सो रहा लग। दोपहर में थोड़ी झपकी लेकर उठी है। और चलो बेटा ट्यूशन जवानों से। अरे वाह ये घोटी मस्त सोई है देखो। अभी दोपहर में उठते ही साइकिल में बैठ गया चकुरा हमारा। अभी इतनी धूप है बाहर भरी भरखम और भैया जाग गया है। जागी क्या तू? क्या खाना है तुम्हें? दाने का गोटा खाना है कि क्या खाना है? इतनी गर्मी में कौन खाए, बारिश लाओ तो खाए। अरे ले बारिश तो वैसे मेरे हाथ में नहीं है, वरना मैं आज बारिश का माहौल रखता। मैं वहाँ पे बहुत गर्मी थी, मैंने सोचा था कि यहाँ पे बारिश होगी, पर सूरत में भी नहीं मिली और यहाँ पे भी नहीं है, क्या करें। फरीदाबाद में वहाँ पे अभी है। हाँ देखो जा रही हूँ, वहाँ बारिश नहीं हो रही है। अच्छा तो जहाँ पर भी ज्यादा बारिश हो और बंद करवानी हो तो रिंकू का कॉन्टेक्ट कर सकते हो, दो दिन ले जाओ ना बारिश बंद लाडू बजे 7:15 हो रही है। यहाँ पे देखो मस्ती चल रही है, आरोही और कियान और रिंकू दीदी और दर्शक चारों से अच्छा लगता है। ये आरो कौन चार है? कियान जो क्या मस्ती करे छोटे तो दोनों को इतना झगड़ना है भाई, बहुत मजा आ रहा है दोनों को एक दूसरे से। सुबह सुबह तो धमाल मचा दे देखो, अभी दोपहर में भी उठ गए दोनों और मस्ती के मूड में अभी देखो ये। ऊपर करे छे तू मेनो फेस सेम लागे छो थोड़े थोड़े ઘણા કી દે કે આ બંને ભાઈ બહેન છે જોડે રાખી તો ફેસ સેમ લાગે दोनों का फेस सेम है देखो। 5 बजने को आए और यहाँ पे बच्चा पार्टी के साथ बाबू भी आ गए हैं साथ में। हाँ। बाबू आओ, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे है? असा है ना तो वांदा नहीं है, वांदा नहीं। दोपहर में मस्त देखो अभी बच्चा पार्टी के साथ दिन शुरू हो चुका है और यहाँ पे बाबू भी आ गए। उठ गया ना, खुशी माँ बेस गया। हाँ खुशी माँ बेस गया है। कल धमा चकड़ी मच गई, ग्राउंड में गेम खेला तो मजा आ गया ना बाबू, मजा आई गई है ना। घोड़िया का सीन ऐसे ऐसे करते थे। यहाँ पे कियान और आरोही का सुबह से अभी मसला खत्म नहीं हुआ, सुबह से लेकर अब तक दोनों का पंगा चालू है, पंगे पे पंगा ले लिया है दोनों ने। ये अभी एक दूसरे से ये 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 आ ये आता ये यू या 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 नहीं 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 दोनों बोले हमें झगड़ा मत, हम झगड़ने नहीं आए। ये हाँ उड़ी उड़ी आपने नो पोगी है की सत्ता वो मोटी से गिल्ली थी અને એમાં ડાયપર પહેરીને આવે છે, એટલે એના કામ હોય બધા ઊંચા, ગમે એવા થાય તો દેખાય નહીં, દેખાય નહીં, થઈ ગયું કેવા છે જો એમને માણસો છે હા એ પાછું ઉપયોગમાં લે, ફૂલ પેકેટ કરીને રોડ ઉપર નાખે કુતરા ભલે વીખ્યા વીખ્યા કરે કુતરા નું ફૂલ પેકેટ છે, ફૂડ પેકેટ ડાયપર નું ફૂડ પેકેટ મળે છે બે ઉડે એક ઉડે ને લઈને બીજે ઉડે હાલ ઉડો બે ઉડો એ ઉડે ઉડે ઉડ્યા
सुबह सुबह मजा आ रहा है भाई, दोनों बच्चों को बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, हमें इनको देखने से ही फुर्सत नहीं मिलती, दोनों को देखते ही रहते हैं, बहुत मजा आ रहा है। फरीदाबाद में हो रहा है, देखो ये उड़ी, ये उड़ी, चिराग कुमार आ गए भाई। दोपहर में बच्चों के साथ जो धिंगा मस्ती की है उसके देखने का। मेरे पापा आ गए धीरे धीरे ट्रैक्टर चलाते हुए, वरना मेरे पापा ट्रैक्टर का जो यूटर्न मार दे ना अच्छे पिघल जाते हैं। पापा वाड़ी रही है, रिंकू बहुत सारा नाश्ता हम सबके लिए लाई, चकरी गाठिया चना भाकर वड़ी पेपर बेपर शिंग बेंग, रिंकू बहुत कुछ लाए, माखनिया बिस्किट आयो, माखनी खावा, माखन बिस्किट बनाने लगी है। खाटले पे बाबू के साथ बैठ गए किया लाडो, और अरुण बाबू जी ने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गाना गाया है जो रिंकूस किचन में आपको देखने को मिल जाएगा, मेरी बहन की चैनल है, आप सबको पता है, नहीं पता है उनके लिए है रिंकूस किचन। यस बाबू। और रूही उनको किस करती जा रही है, बहुत मस्ती करती, ये बस। तो मजा आ गया भाई, दोपहर का मस्त संध्या खिली है अभी, और मस्त मौसम है आसपास में, ट्रैक्टर पड़ा है, काका है, मस्ती का माहौल है भाई, जमावट जैसा है अभी का माहौल। और बाबू क्या है बाकी, क्या बनाना है, पसी खबर पड़ता है, अच्छा ऐसा है। आपका हिंडोड़ा उत्सव कैसा चल रहा है, अजी 15 दिन चलेगा, अरे वाह, ओके कल हम पूरा परिवार हिंडोड़ा उत्सव में जाएंगे, मैं रिंकू सब लोग जाएंगे, है ना बाबू, हम आएंगे है ना, रोज जाएंगे आप। और यहाँ पे सब चलिए, ये बस अबे रूही बस आने गए हो ना, देन मजा आवे छे, गल गोटो मारो हमने, ओलो के ओली के जिबड़ा जेवो कियान बैठ गया ट्रैक्टर में, देखो हालो वाह, चलो जवा दो पंजाब हुदे आको टिटे सीधू फरीदाबाद, पप्पा पाछे उपाड़ो पप्पा पाछे। तो फ्रेंड्स, उबलता हुआ सेव टमाटर का सब्जी बनने वाला है आज, और यहाँ पे मस्त मीठी मीठी कढ़ी की जो रेसिपी देने को बोला था, मीठी कढ़ी की, हाँ मीठी कढ़ी में कुछ नहीं, गुड़ ज्यादा डालना पड़ता है, ओके कुछ नहीं है, और बाकी कौन सा आटा, मतलब आटा तो बेसन का डालते हैं, बेसन का आटा, तो वो सब बोलो बाकी, छाछ में बेसन का आटा डालते हैं, और गुड़ डालते हैं, और कड़ी पत्ता डालते हैं, और आलू मिर्च की पेस्ट डालते हैं, अच्छा इतना ओके वेरी नाइस, तड़का करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अरे वाह क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया, देख सकते हो सेव टमाटर का उभरता हुआ शाक, मजा आ जाए भाई, भाकरी के साथ सेव टमाटर है ना गिंजर, बहुत ही मस्त लगता है, और उसमें भी कढ़ी आ जाए ना, मीठी मीठी कढ़ी, देखो ये कढ़ी जो लगती है भाई, हमारी दादा की कढ़ी है, दादा की स्पेशल कढ़ी, मजा आ जाए भाई, तो बहुत ही बढ़िया गिंजर, मजा आ गया, ग्राउंड में हम सब खेल रहे हैं, हम चलते हैं वहाँ पे, ठीक है ओके। रूही का घर बहुत ही बढ़िया चमक रहा है, देखो बारिश का माहौल हो गया, वैसा लग रहा है, तो नदियों पे बारिश आता है तो कितना बढ़िया लगता है, देखो वाह है ना, जोरदार घर प्यारा लगता है जब उसके ऊपर इतनी मस्त बारिश आए, तो क्या लग रहा है भाई, जोरदार मजा आ गया। तो फ्रेंड्स वापस आ गए हम किचन में, और किंजल क्या, किंजल वगर वगर कुछ कर रहे हैं, अच्छा कढ़ी का वगर हो रहा है भैया, कढ़ी उबल गई है, और यहाँ पे किंजल कुछ वगर का सोच रही है, किंजल उसमें कुछ यूनिक है कि वगर तो सब इसमें क्या है कि दादा की है ना, तो कड़ी पत्ता वो सब नहीं डालना है, दादा मना कर दे को, सब नहीं प्लेन ही करना है, अच्छा ऐसा है, दादा का अलग है, अलग है, सिंपल ही अच्छी लगती है, तो उसके लिए सिंपल बनाई है, हम खाते है तो हम सब डालते है, अच्छा अभी तो सिंपल ही है, ओके okay. और हमारी वो मीठी कढ़ी, मीठी कढ़ी यहाँ पे वो पीली हो गई, या हल्दी डाल दी, अच्छा अच्छा थोड़ी पीली हो गई,
अच्छा, डालते हैं तो पीली हो जाती है। अच्छा ओके भाई, तो ऐसा है रंग रूप बदल जाता है कढ़ी का उम्र के साथ साथ, इंसान का भी बदल जाता है। अरे वाह क्या बात है भाई, वगर हो गया भाई फैब्रिक, वाह जबरदस्त कढ़ी का वगार हो गया है, कढ़ी का वगार। चल तुम्हें अभी कैसा कुछ बंगला का कुछ घर का प्लानिंग ब्लानिंग बनाया कि नहीं? तो कौन है खबर ले। किंजल को मकान बनाने का बहुत जल्दी है, तो हम देखते अभी क्या करें, किंजल की ख्वाहिश कब पूरी होगी है किंजल? आप करो तब तो पूरी हो जाती है। और ये आ गई चीक और रिंग दोनों, इसको है ना जलन हो रही है, अगर किरण को साइकिल पे बिठाया तो ये रो रही है, अगर इसको ठन साइकिल पे बिठाओ तो वो रो रहा है, अभी करे तो करे क्या। दो साइकिल लेनी पड़ेगी और चलाने वाले मुझे चलाना पड़ेगा। हो रहा है फ्रेंड्स, ये है तलवट, और तलवट क्यों करते है रिंकू? मम्मी पहले से करती है, पहला श्रावण मास का सोमवार होता है ना, तब बोलते हैं कि घर पे सांप नहीं निकलते हैं, ये शंकर भगवान का जो वाहन है ना सांप, तो ये तलवट हम वाड़ी पे भी छाटते हैं, घर पे भी छाटते हैं, तो बोलते हैं ऐसा कि सांप नहीं आते हैं। अच्छा, तो ये पहले से मम्मी करती है, तो हम भी कर रहे हैं। मैं अच्छा, मेरे घर पे भी करती हूँ। अच्छा तो ये झाड़ेंगे और दीवा करेंगे बस, और ये कल पापा सुबह लेके जाएंगे वाड़ी पे और सभी जगह पे छाट देंगे। अच्छा, वो हमारी सुरक्षा के लिए ना। ओके, तो ऐसा है भाई, पुरानी जो भी मान्यता है वो माननी चाहिए, वरना परेशान होना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए वापस हनुमान बाबू जी के पास, और आज दुहा का ललकार होने वाला है, तो चलिए सुनते हैं। जय जय साढ़ महीनो है ना, कड़ा डिबाण वादड़ा थी गया होना, मोरला डोकना तन तन खटका करी नाखे, पछी आ दुहो बोलाय शकम मेघ मलारम बने बहारम जलदारम दादूर दकारम मयूर पुकारम तड़िता तारम विस्तारम नालोई संभारम प्यार पारम नंद कुमारम निरख्यारी राधे प्यारी में बोलियारी गोकुल आओ गिरधारी जीरे गोकुल आओ गिरधारी जीरे गोकुल आओ गिरधारी जीरे गोकुल आओ गिरधारी। वाह जय स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण भाई। गोकुल जैसा अभी हमारा घर हो गया, इधर आओ हर बाबा, यहाँ गोकुल अच्छा, गोकुल अच्छा, यहाँ पे देखो गोकुल ही गोकुल है, तो मजा आ गया भाई। आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, कैसा लगा खास कमेंट करिएगा, बस ऐसे ही धमाल मस्ती करते रहेंगे, कल वापस मिलते हैं, तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बाय बाय फ्रेंड्स।